देखो आज ऑफिशियली किया कंपनी ने अपनी मोस्ट अवेटेड 7-सीटर कार करेंस को रिवील कर दिया है। इसके ऑलमोस्ट सभी फीचर सामने निकल कर आए हैं। हालांकि किया कंपनी ने इस कार को एमपीवी सेगमेंट में उतारा है, लेकिन किया का ये कहना है कि इसका जो स्टाइलिंग है वो काफी हद तक एसयूवी कार की तरह ही है, यानी इसका जो एक्सटीरियर लुक है वो आपको एसयूवी कार की याद दिला देगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करने वाला हूँ किया की करेंस वर्सेस हुंडई की अल्काज़र। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आउट मत कर देना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है और आपके तो होश उड़ने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। किया करेंस की लेंथ है 4540 मिलीमीटर की, जो कि अल्काज़र के मुकाबले 40 mm ज्यादा है। इसके अलावा किया करेंस की विड्थ है 1800 मिलीमीटर की, जो कि अल्काज़र के मुकाबले 10 mm ज्यादा है। इसके अलावा किया करेंस की हाइट है 1700 मिलीमीटर की, जो कि हुंडई अल्काज़र के मुकाबले 25 mm ज्यादा है। यहाँ पर लेंथ के मामले में, विड्थ के मामले में और हाइट के मामले में किया की करेंस थोड़ी सी आगे निकल जाती है, ये थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू हुंडई की अल्काज़र। और किया कंपनी ने ये भी मेंशन किया था रिवील के दौरान कि इस कार के अंदर सबसे बड़ा व्हील बेस दिया जाएगा सेगमेंट का, तो इसके अंदर 2780 mm का व्हील बेस हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि अल्काज़र के मुकाबले 20 mm ज्यादा है। इसके अलावा इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 195 mm के आसपास रहेगा, जो कि अल्काज़र के मुकाबले 5 mm कम है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो किया की करेंस के अंदर तीन इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे, दो पेट्रोल और एक डीजल। जैसे कि इसके अंदर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, इसके अलावा 1.4 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल भी किया जाएगा और 1.5 लीटर डीजल इंजन किया की करेंस के अंदर दिया जाएगा। हालांकि ये सभी इंजन आपको सेल्टोस के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हुंडई की अल्काज़र के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन दिया जाता है। अल्काज़र के अंदर 2.0 लीटर फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया जाता है, जो कि लगभग 157 bhp की पावर आउटपुट और 192 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो इसका जो पावर आउटपुट है वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू करेंस के अंदर जो पेट्रोल इंजन दिया जाता है उसके मुकाबले। लेकिन दोनों ही कारों के अंदर जो डीजल इंजन दिया जाता है, दोनों ही इंजन के पावर आउटपुट लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस भी आपके सामने हैं। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो करेंस का माइलेज अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन हुंडई की अल्काज़र लगभग 14 km से लेकर 20 km का माइलेज दे देती है आराम से। और हाँ, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं एक्सटर्नल लुक के बारे में। किया ने करेंस का लुक कम्प्लीटली न्यू रखा है, इसका फ्रंट फीचर भी आपको नया मिलेगा, इसके अलावा इसका रियर का फीचर भी काफ़ी तक बोल्ड रखा हुआ है। लेकिन हुंडई की जो अल्काज़र है उसका फ्रंट फीशिया क्रेटा से मिलता जुलता है, मतलब क्रेटा का फ्रंट फीशिया अल्काज़र के अंदर आपको मिल जाएगा। हालांकि अल्काज़र का सिर्फ रियर फीशिया चेंज है, लेकिन फ्रंट फीशिया क्रेटा का जैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रिल्स थोड़ी सी अपडेट की है, लेकिन बाकी की चीजें आपको सेम ही मिलने वाली है। ऐसा करेंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, इसका फ्रंट फीशिया भी कंप्लीटली डिफरेंट है। इसके अलावा इसका रियर का फीशिया भी कंप्लीटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू किया की सेल्टोस, इसके अलावा किया की सोनेट। तो यहां पर आपको कंप्लीटली फ्रेश लुक मिलने वाला है किया करेंस के फ्रंट फीशिया में भी और रियर के फीशिया में भी। लाइटिंग सेटअप की अगर मैं बात करूं तो करेंस के अंदर कंप्लीटली न्यू लाइटिंग सेटअप आपको मिलने वाला है। इसका एलईडी डीआरएल का डिजाइन भी काफी हद तक यूनिक रखा है। हालांकि सेल्टोस और सोनेट के अंदर आपको थोड़ा सा अलग एलईडी डीआरएल मिलेगा और करेंस के अंदर आपको अपडेटेड एलईडी डीआरएल मिलने वाला है। इसके अलावा किया की इस कार के अंदर फुल एलईडी हेडलाइट का सेटअप आपको मिलने वाला है। एलईडी फॉग लाइट का इस्तेमाल भी इसके फ्रंट फीशिया में किया हुआ है और दोनों ही कारों के फ्रंट फीशिया में और रियर के फीशिया में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि अल्काज़र के ग्रिल्स के ऊपर आपको क्रोम के पैटर्न्स मिलेंगे, किया करेंस के फ्रंट फीशिया में क्रोम गार्निश के हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगे, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स भी दिए हुए हैं। इसकी मदद से इसके फ्रंट फीशिया में एक प्रीमियम टच आ जाता है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही कारों का साइड प्रोफाइल अच्छा खासा है, लेकिन करेंस थोड़ी सी बड़ी दिखती है साइड से भी और रियर से भी। स्लोपिंग रूफलाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखा है, लेकिन अल्काज़र का स्लोपिंग रूफलाइन और रियर का फीशिया थोड़ा सा छोटा लगता है दिखने में, और रोड पर जब मैं इसको देखता हूं तो ये थोड़ी सी छोटी लगती है, मतलब छोटी एमपीवी कार लगती है। लेकिन यहां पर करेंस के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका स्लोपिंग रूफलाइन भी काफी बढ़िया तरीके से डिजाइन किया है और इसका रियर का हाइट भी अच्छा सब मेंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपको दोनों ही कारों के साइड प्रोफाइल में देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोनों ही कारों के अंदर डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाला है और दोनों ही कारों के अंदर रूफ रेल्स ऑफर किए जाते हैं। लेकिन किया करेंस के डोर हैंडल के ऊपर क्रोम फिनिशिंग आपको मिलने वाली है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा कूल लगती है। बहुत सारे लोगों को अल्काज़र का रियर फीशिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे भी इसका रियर का फीशिया इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन करेंस का जो रियर का फीशिया है ये दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। एलईडी टेल लाइट का डिजाइन भी काफी
ज्यादा अपडेटेड है। इसके रियर के बम्पर के ऊपर भी आपको क्रोम की गार्निश मिलने वाली है। इसके अलावा अच्छा खासा डिजाइन लेआउट आपको किया करेंस के रियर फेशिया में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर मैं दोनों ही कारों के एक्सटर्नल लुक को कंपेयर करूं तो यहाँ पर किया करेंस बहुत ज्यादा मतलब आगे निकल जाती है। इसके डायमेंशंस बड़े हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी बड़ी दिखेगी एज कम्पेयर टू अल्काजर, और इसके फ्रंट फेशिया और रियर फेशिया में आपको डिजाइन के पैटर्न्स अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अल्काजर के अंदर आपको क्रेटा वाला ही लुक मिलेगा फ्रंट फेशिया में, रियर से तो वो थोड़ी सी अलग ही दिखती है। तो आपको इन दोनों ही कारों में से किसका एक्स्ट्रा लुक बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। यहाँ पर बात करते हैं इंटीरियर फीचर्स के बारे में। हुंडई के अल्काजर के अंदर पैनोरामिक सनरूफ ऑफर किया जाता है, लेकिन किया की करेंस के अंदर आपको नॉर्मल सनरूफ मिलने वाला है। पैनोरामिक सनरूफ मिसिंग है करेंस के अंदर, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस कार का। इसके अलावा अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, जैसे कि आपको कम्प्लीटली नया डैशबोर्ड मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर आप बहुत सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अल्काजर के अंदर आपको क्रेटा वाला ही इंटीरियर देखने को मिल जाएगा फ्रंट रो के ऊपर, यानी क्रेटा वाला ही डैशबोर्ड आपको मिलेगा, क्रेटा वाला ही टच स्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम उसके अंदर दिया जाता है, बाकी के फीचर्स आपको क्रेटा वाले ही मिलने वाले हैं। लेकिन करेंस के अंदर डिजाइन पैटर्न चेंज है, कलर थीम चेंज है, तो यहाँ पर आपको फ्रेश लुक मिलने वाला है करेंस के अंदर। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर आपको 6 सीटर और 7 सीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाएगा। वही दोनों ही कारों के कॉमन फीचर्स की अगर मैं बात करूं जो कि आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों ही कारों के अंदर आपको टच स्क्रीन इनफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। इसके अलावा फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एम्बिएंट लाइटिंग का इस्तेमाल आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएगा, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, इसके अलावा फ्रंट आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स भी आपको मिलेंगे दोनों ही कारों के अंदर, और अच्छे खासे फीचर्स दोनों ही कारों के अंदर ऑफर किए जाते हैं। लेकिन करेंस के अंदर आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स मिलने वाले हैं। करेंस के अंदर आपको थोड़ी सी ज्यादा स्पेस मिलेगी एज कम्पेयर टू अल्काजर, तो मेरे ख्याल से इसके थर्ड रो के ऊपर 3 एडल्ट आराम से बैठ सकेंगे। हालांकि अल्काजर का जो थर्ड रो है वहां पर सिर्फ 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किया की करेंस के अंदर शायद ऐसा नहीं हो सकता। जब ये लॉन्च हो जाएगी उसके ऊपर मैं अलग सा रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, वो सभी चीजें मैं आपको रिव्यू वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो अच्छे खासे फीचर्स आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर करेंस के अंदर आपको थोड़ा सा फ्रेश लुक मिलने वाला है, थोड़ा सा फ्रेश इंटीरियर मिलने वाला है। इसके अलावा फ्रेश एक्सटर्नल लुक आपको करेंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। दोनों ही कारों के अंदर अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स दिए जाते हैं। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के तौर पर दोनों ही कारों के अंदर कमाल के सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों ही कारों के अंदर दिए जाते हैं। ऑल डिस्क ब्रेक आपको सिर्फ करेंस के अंदर मिलेगा, लेकिन हुंडई अल्काजर के बेस मॉडल के अंदर आपको रियर में डिस्क ब्रेक मिलेंगे ना कि फ्रंट में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है अल्काजर का। इसके अलावा करेंस के बेस मॉडल के अंदर 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे, लेकिन अल्काजर के बेस मॉडल के अंदर 2 एयरबैग्स दिए जाते हैं। हालांकि ये चीज मुझे नहीं मिली, अगर आपको पता है अल्काजर के बेस मॉडल के अंदर कितने एयरबैग्स दिए जाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कारें आपके सामने हैं, फीचर्स आपके सामने हैं, एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर फीचर्स, इंजन, इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स आपके सामने हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको 7 सीटर कार लेनी है तो आपको करेन के प्राइसेस के लिए रुकना चाहिए। हालांकि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी रहती है, क्या रहती है, ये बहुत जल्दी सामने निकल कर आ जाएगा। सेल्टोस के 2 टुकड़े हो गए थे, इसके 4 टुकड़े बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, तो ये सभी चीजें आने वाले समय में हमें पता चल जाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि किया कंपनी ने इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ताकि इसके 3-4 टुकड़े ना हो। इसके अलावा अगर मैं कीमत की बात करूं तो हुंडई के अल्काजर की जो प्राइस है वो स्टार्ट होती है 16.30 लाख रुपीज से। बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस इसका टॉप मॉडल 20.15 लाख रुपीज तक चला जाता है। करेंट इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, इसके प्राइसेस अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है इसकी कीमत 10-11-12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। लाइक 11 लाख रुपए से अगर इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली ये इंडियन मार्केट में तबाही मचाएगी। अगर इसको MPV सेगमेंट में उतारा जाता है तो डेफिनेटली इसकी कीमत 10-11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगर इसको SUV सेगमेंट में उतारा जाता है तो इसकी कीमत 14 या फिर 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, क्योंकि हुंडई अल्काजर को SUV सेगमेंट में उतारा गया है तो उसकी कीमत 16.5 लाख रुपए से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। तो यहाँ पर आने वाला समय बताएगा। तो ये छोटा सा कंपैरिजन वीडियो था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।